हुकूमत मुखालिफ तहरीक गुजरांवाला में मैदान सज गया। सियासी पहलवान जोर आजमाने को तैयार। कारकुन पुरजोश, पिंडाल में रौनकें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत PDM में शामिल जमातों के कारकुन मौजूद। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। जगह जगह कंटेनर्स रख कर रास्ते ब्लॉक। जाति उमरा से गुजरांवाला जाते मरियम नवाज के काफिले को रिंग रोड के पास रोक लिया गया। कुछ देर बाद जाने की इजाजत। सिलेक्टेड हुक्मरानों की रुखसती का वक्त आ चुका। घर भिजवा कर दम लेंगे। नून लीग रहनुमा की रवानगी से पहले गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में भी मेरी फिक्र। जाती सिक्योरिटी और गाड़ियां सुपुर्द कर दी। इंशाल्लाह खुद भी जल्द हमारे साथ होंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। बस कर दो आप लोग तमाशों को। प्लीज नहीं, मैं बैठे हो सकता नहीं। ऐसे नहीं हम आप लोग तंग कर रहे हैं। नहीं तंग कर रहे हैं आप लोग। तंग नहीं कर रहे हैं। फुटेज करो, बात कर रही है आप। तमाशा कर रहे हैं। फुटेज फुटेज, ये क्या तरीका है? लोग हमसे वो हमसे लड़े। किसको कहा आपको मेरे कार के बगैर बनाने से? ये अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मैं रेड जोन के अनाउंसमेंट कर रही हूं। कारकुनों को पिंडाल में दाखिले से रोकने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब की पुलिस हुकाम से तल्ख कलामी। आज नाअहल टोले के खिलाफ रेफरेंडम। ओछे हथकंडों के बावजूद जलसा कामयाब होगा, नून लीगी रहनुमा का दावा। ये करप्ट टोला है, नालायक और नाअहलों का टोला है और ये इनकी सरबराही इमरान साहब कर रहे हैं। और इस जलसे की कामयाबी आप किराए के तर्जुमानों का सुबह दोपहर शाम रोने से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलसा कितना कामयाब है। जलसे से पहले धमा चौकड़ी। जलसा गाह में नून लीग और मजहबी तंजीम के कारकुन लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूसों की बारिश। दीगर शुरका ने बीच बचाव कराया। नालायक हुक्मरानों ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। असल तब्दीली अब आएगी। इमरान खान की बोकलाहट सबके सामने। PTI से एक जलसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। PP चेयरमैन का काफिला लाला मूसा से चल पड़ा। मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत। हुकूमती नाअहली के बायस अवाम का सांस लेना भी दूभर हो गया। NRO हम नहीं, हुकूमत मांग रही है। तब्दीली सरकार को दिसंबर भी नसीब नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। JUI सरबराह काफले के हमरा लाहौर से गुजरांवाला रवाना। ऑपोजिशन बेरोजगार है, अहमियत देने की जरूरत नहीं। मुखालिफीन अपनी चोरी बचाने निकले हैं। चाहता हूँ ये रोज जलसे करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास से खिताब। हुकूमत को नैब सदगान की तहरीक से कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन का बयानिया नाकाम होगा। अरकान का इजहार ख्याल। एक मिनट पार्लियामेंट के रवायत ख्याल रखे। पटेल साहब आप अपनी जबान को सही इस्तेमाल करें। आप जो है ना, आप जैसे लोगों की वजह से 20 मिनट के लिए हाउस एडजर्न किया जाता है। इख्तदार का ऐवान भी सियासी मैदान। कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही ओपोजिशन का शोर शराबा। गो गो के नारे, प्ले कार्ड्स भी लहरा दिए। स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। PDM का मकसद कौम की भलाई नहीं। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक हुई। माजी में मुल्की इदारे तबाह होते रहे, इनके असासे बढ़ते रहे। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज। ऑपोजिशन को फ्री हैंड दे दिया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब की वार्निंग। PDM को अवामी हिमायत हासिल नहीं। मुखालिफीन का प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ चुका है। अवाम झांसे में नहीं आएंगे। उस्मान बुज़दार। माजी में एक दूसरे को गालियां देने वाले इकट्ठे हो गए। पहली बार 11 मसालों वाली मिक्स अचार पार्टी देखने को मिली। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। रास्तों की बंदिश से मुतालिक लीगी क्यादत के बयानात मुस्तरद।
पंजाब हुकूमत मुआहिदा मंजर आम पर ले आई, रूट के रास्तों को सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रखा जाएगा। वजीर कानून पंजाब का अपोजिशन को जिम्मेदारियों के एहसास का मशवरा। सादगी के ऐलानात के बावजूद हुकूमती अखराजात में इजाफा, रवां साल मालियाती खसारा 8%, अगले साल 6.7% रहने का खदशा। IMF की कोरोना मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी। आवाम की जेबों पर एक और बार हुकूमत ने खामोशी से पेट्रोलियम लेवी 1.14 रुपया बढ़ा दी, फी लीटर 28.46 रुपए मुकर्रर, आज से इतलाक हो गया। असल कीमत कम होने के बावजूद सार्फीन रिलीफ से महरूम। मौसम सरमा में गैस बहरान का खदशा, पेट्रोलियम डिवीजन की घरेलू सार्फीन को महंगी LNG देने की तजवीज। सुई नॉर्दर्न की रिकवरी प्लान के बगैर सप्लाई से माजरत। CCPO लाहौर और SPCIA के दरमियान झगड़े का मामला, आसिम इफ्तिखार ने होदे का चार्ज छोड़ दिया। SP हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक पंजाब तैनात। इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी धरना, खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले मौजूद, मुतालिबात की मंजूरी तक वापस न जाने का ऐलान, 3 शुरका बेहोश। सिंध के जजायर पर नए शहर बसाने की तैयारियां, बंदल आइलैंड के लिए इंटरनेशनल फर्म से पेशकश तलब, इकोनॉमिक और मार्केटिंग स्टडी के लिए माहिरीन से दरख्वास्तें भी मांग ली गईं। 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 7 जाने ले गया, मुल्क भर में 3,21,873 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 9,421 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना सज्जाद। और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस अपने मुलाहजा की वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुजरावाला में सियासी मैदान सज गया है, सियासी पहलवान जोर आजमाने को तैयार हैं, कारकुनान खासे पुरजोश हैं। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुन पंडाल में मौजूद हैं। ये मनाजिर भी अभी आपको हम दिखाएंगे, आपको आगाह कर रहे हैं कि जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैदान सज गया है गुजरावाला में। इसके साथ साथ मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान जो काफिलों की सूरत में, उनके जो काफिले हैं वो रवा दवा हैं अपनी मंजिल की जानेब, और वो भी गुजरावाला पहुंचेंगे। ये पिंडाल के मनाजर आप देख रहे हैं, यहां पे पार्टी परचम थामे हुए हैं कारकुनान और खासा यहां पे जोशो खरोश देखने में आ रहा है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आज से बाकायदा बाजाबता तौर पर आगाज हो रहा है और इसके लिए इंतखाब किया गया है गुजरावाला का। पहलवानों के शहर के मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिनाह स्टेडियम में इस वक्त 13 सियासी जमातों के कारकुनान मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों के कारकुनान इस वक्त यहाँ अपनी अपनी पार्टी परचमों के साथ मौजूद हैं। हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, गो गो के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मरकजी क्यादत का इंतजार हो रहा है, कारकुनान मुंतजर हैं कि उनके रहनुमा यहाँ पहुँचें, उनसे मुखातिब हों। इस दौरान कुछ बदमजगी भी देखने में आई। जो अपोजिशन जमातें हैं उनका दावा यह है, उनका इल्ज़ाम ये है कि कुछ जगह पर कंटेनर्स हैं, उनके कारकुनान को या रहनुमाओं को रोकने की कोशिश की गई है। जबकि राजा बशारत, वजीर कानून पंजाब, इस सिलसिले में जो मुआहिदा हुआ, जो इजाजत दी गई, वो तफसील सामने लाया और उन्होंने अपोजिशन से ये कहा कि वो जिम्मेदारियों का एहसास करे। खास तौर पर यहां इस जलसे की इजाजत कोरोना SOP से भी मशरूत थी। रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया है यहां पर इस पावर शो के लिए, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है,
और 2018 के इंतखाबात में धांधली के मामले पर अपोजिशन जमातों ने यह तय किया कि अब बाकायदा अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा और सड़कों पर निकला जाएगा, जिस सिलसिले का पहला जलसा आज गुजरांवाला में हो रहा है। बिल्कुल, और स्टेडियम के चारों अतराफ पीटीएम के कायदीन के बड़े बड़े फ्लेक्सेस भी आवेजा हैं। साथ ही साथ जो जिना स्टेडियम की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहां पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और जो काफिले हैं वो यहां पर रवा दवा हैं। गुज़श्ता रात भी हमने देखा था कि जो सियासी रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने जो इंतजामात थे उनका जायजा भी लिया। साथ ही साथ कारकुनान रात से ही यहां पर मौजूद थे, काफी बड़ी तादाद में भी थे और उनसे मुखातिब भी रहे सियासी रहनुमा, उनसे बात भी करते रहे, उनका लहू भी गरमाते रहे। अब से कुछ देर पहले भी जैसे हमने आपको दिखाया था कि मरियम औरंगजेब वो भी हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दे रही थी, तो लाइट्स यहां पर लग गई हैं, रोशनी है और जोशो खरोश हम देखने में काफी ज्यादा आ रहा है यहां पर। और इसके बाद जब काफिले यहां पर पहुंचेंगे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो, मरियम नवाज के, और खासतौर पर जब लीडर्स यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद मनाजिर काफी काबिले दीद होंगे। जनाब स्टेडियम गुजरांवाला से हमें शेख जैनुल आबिदीन ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ताजा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं। शेख जैन, कहिएगा कि मरकजी क्यादत के यहाँ पहुंचने में अभी मजीद कुछ वक्त लगेगा, इस वक्त कैसा जोशो खरोश आप देख रहे हैं, कौन कौन इस वक्त मरकजी स्टेज पर मौजूद है, सब तफसील बताइए। अभी तक जो Hi, it's Sayeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.